नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिका अग्रवाल, प्रोफेसर रामा मेडिकल कॉलेज मन्ना कानपुर। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है सफ़ेद मोतियाबिंद और या फिर कैटरैक्ट। तो हम बात करेंगे कि ये सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है और उसके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सफ़ेद मोतियाबिंद और कैटरैक्ट होता क्या है। उसके लिए हम ये पहले समझना पड़ेगा कि हमारी आँख एक कैमरे की तरह होती है और इसमें भी एक लेंस होता है। जैसे आँख के अंदर काली पुतली के पीछे एक पारदर्शी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लेंस कहते हैं, और ये उम्र के साथ सफ़ेद होने लगता है। जैसे उम्र के साथ बालों का सफ़ेद होना, तो उम्र के साथ इसमें चेंजेस आते हैं और ये सफ़ेद होने लगता है। तो जब ये सफ़ेद होने लगता है उसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी का एजिंग प्रोसेस है। तो मोस्टली जो भी हमारे पास मोतियाबिंद के केसेस आते हैं या मोतियाबिंद जो लोगों में होता है वो 70-80% इनफैक्ट 90% तक उम्र के साथ होने वाले चेंज के साथ ही आते हैं। कई बार यंग लोगों में जैसे कि 50 से पहले भी मोतियाबिंद हो जाता है। उसके कारण क्या है, जैसे कि चोट लगना, कोई दवाई लंबे समय तक लेना जिसमें मोस्ट कॉमनली स्टीरॉइड्स। तो ये कोरोना के बाद स्टीरॉइड्स का सेवन ज़्यादा हुआ कोरोना ड्यूरेशन में, तो उसके बाद लोगों में कैटरैक्ट जल्दी हो गया। उसके अलावा शुगर, डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ की बीमारी होती है उनमें भी मोतियाबिंद जल्दी होने के चांसेस होते हैं उम्र से पहले। पर सबसे कॉमन कारण एज के साथ होने वाला चेंज है। तो अगर आपको मोतियाबिंद होता है या आपकी डायग्नोसिस, तो परेशान नहीं होना, ये बॉडी का एज के साथ होने वाला चेंज है। अब बात करते हैं मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं। सबसे कॉमन इसका सिम्टम यही होता है कि साफ दिखाई ना देना, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखना। उसके अलावा दिखाई तो देता है मरीज को, लेकिन धुंधलापन आना, रात में जैसे व्हीकल्स जो गाड़ियां होती हैं उनकी लाइटें फैली फैली दिखना, कई बार मरीज को चकाचौन लाइट जैसे ज़्यादा लगना। उसके अलावा चीज़ें डबल डबल या दो या तीन भी दिखें, जैसे रात के समय अगर चांद देखे इंसान तो उसको एक चांद की जगह दो या तीन दिखे, जिसको हम पॉलियोपिया कहते हैं। तो ये सब नज़र कम होने के अलावा ये सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है, 50+ एज है अगर पेशेंट की, तो आप सोच सकते हैं कि ये मोतियाबिंद के कारण ही होगा। अब इसका इलाज क्या है। मोतियाबिंद अगर एक बार आँख में बन जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन द्वारा। अगर आपको कहीं कोई कह रहा है कि दवाओं से, ड्रॉप डालने से, कोई गोली खाने से इसको ठीक किया जा सकता है, तो आज की तारीख में तो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसका मेन इलाज मोतियाबिंद सर्जरी है, और आज इतने एडवांसेस के बाद ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड सेफेस्ट सर्जरी है। मतलब इसमें कोई डाउन टाइम नहीं होता। आज सिर्फ 2 या 3 मिलीमीटर के इंसिजन से, चीरे से, आप फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा, मशीन द्वारा, अल्ट्रासाउंड एनर्जी द्वारा मोतियाबिंद को आँख के अंदर ही घोल दिया जाता है या इमल्सिफाई कर दिया जाता है। तो उससे 1-2 दिन में और मोस्ट लाइकली 4-5 दिन में पेशेंट अपना रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकता है, और खाने पीने का भी इसमें कोई परहेज नहीं होता, कोई बेड रिडन ऐसा रहने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये वन ऑफ दी सेफेस्ट और ईजिएस्ट सर्जरी है पेशेंट के हिसाब से कि आप उसको करा सकते हैं। लेकिन इसको कराना कब चाहिए, ये भी कई सवाल उठते हैं। तो उसमें आजकल ये देखा गया कि अगर मरीज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको परेशानी हो रही है, विजन उसकी हैम्पर हो रही है, तो उसके लिए उसे वो तुरंत ऑपरेट कराए। हर किसी का लाइफस्टाइल, रहन सहन 50-60 में अलग होता है। कुछ लोग 60 साल में एक्टिव वर्किंग लाइफस्टाइल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो उनकी विजन में ज़रा भी ड्रॉप आएगा तो वो उनको परेशान करेगा। तो ऐसे लोग जल्द से जल्द अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं। कुछ लेडीज़ हैं 60-70 ईयर्स में, वो घर में हैं, उनको डायग्नोसिस मिल गई है कि हाँ मेरी आँख में मोतियाबिंद है, पर अगर उन्हें लग रहा है कि मेरा काम चल रहा है तो कुछ दिन रुका भी जा सकता है। एक और चीज़ पहले कहा जाता था, मोतियाबिंद पकने दिया जाए और उसके बाद उसका ऑपरेशन कराया जाए। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब जिस विधि से किया जाता है उसमें ना तो कोई डाउन टाइम है, ना लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत है। तो पकने का हमें वेट नहीं करना है,
जब हमारी लाइफस्टाइल में वो रुकावट डाल रहा है हमें उसे ऑपरेट करा लेना चाहिए। एक क्वेरी और बहुत रहती है कि मोतियाबिंद के बाद मोतियाबिंद की सर्जरी में हम करते हैं कि जो हमारा लेंस कैटरैक्टस हो गया है, सफ़ेद हो गया है, उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल पारदर्शी ट्रांसपेरेंट लेंस आँख के अंदर डाला जाता है जिससे कि पहले जैसा दिखने लगे। तो ये सवाल बहुत उठता है कि कौन सा लेंस बेटर है। आजकल मार्केट में कई तरह के लेंसेज हैं, इंडियन, इम्पोर्टेड, लेकिन एक मेन बेसिक डिफरेंस जो है लेंसेज की क्वालिटी में वो है यूनिफोकल और मल्टीफोकल। अभी यूनिफोकल क्या है और मल्टीफोकल क्या है? यूनिफोकल लेंसेज होते हैं वो आपको या तो दूर या फिर पास का देखने में मदद करते हैं। तो अगर हमने यूनिफोकल लेंस डाला और दूर की नज़र को अच्छा किया तो पास के लिए हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। मल्टीफोकल लेंसेज जो होते हैं वो दूर एवं पास दोनों की नज़र को करेक्ट कर लेते हैं, तो और वो महंगे भी काफ़ी आते हैं। तो सुनने में तो यही लगेगा अच्छा कि मल्टीफोकल लेंस आर दी आइडियल वन, कि दूर और नज़र दोनों की नज़र का करेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी 80-90% जो कैटरेक सर्जरी हो रही है उसमें यूनिफोकल लेंसेज ही डाले जाते हैं। कारण कि एक तो मल्टीफोकल थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण कि नज़र तो वो सही कर देते हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ विजन, कई मरीजों में देखा गया है कि उसको डालने के बाद रात में चकाचौंध लगना, धुंधलापन आना, ग्लेयर, तो ये सब परेशानियां मल्टीफोकल लेंसेज में देखी गई हैं, यूनिफोकल लेंसेज में ये नहीं होती हैं। तो ये आपको पूरा विचार करके ही अपना लेंस चूज करना चाहिए। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर डायग्नोसिस आपको मिलती है तो घबराना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, तकलीफ है। तो और इसका इलाज भी सब ऑपरेशनों में सबसे आसान है। तो आशा करती हूँ कि आपको इससे वीडियो से आपकी कुछ क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। और इतना ही कहना चाहूँगी कि अवेयर रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।